दोस्तों यूपी सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत कर दी है प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए। इस योजना का नाम है यूपी बीसी सखी योजना। दोस्तों इस योजना के जरिए अगर आपके घर में बेटी है या आपके घर में कोई भी महिला है, आप उनका ऑनलाइन आवेदन करके एक अच्छी खासी जॉब आप हासिल करवा सकते हैं और 4,000 रुपये की नगद राशि सरकार हर महीने आपके घर में बेटी या आपके घर में जो भी महिला होगा उनको प्रोवाइड कराएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ यूपी बीसी सखी योजना क्या है, इसमें आप अपने मोबाइल से अपने घर में बैठ के आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको साइबर कैफे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज की आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस यूपी बीसी सखी योजना के बारे में। आपको यूट्यूब पर कहीं और सर्च करने की जरूरत नहीं है, इसकी गारंटी मैं आपसे लेता हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, जिससे आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको जो घंटे का ऑप्शन दिख रहा है उसको आप ऑल प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं आप यूपी बीसी सखी योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों यूपी बीसी सखी योजना में आवेदन करने के लिए आपको आ जाना है अपने मोबाइल पर। और दोस्तों मोबाइल पर आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ये सरकार की तरफ से ऐप तैयार की गई है सिर्फ उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं यूपी बीसी सखी योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं। तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इस ऐप को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा यूपी बीसी सखी। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है अपना फ़ोन नंबर भरें। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना फ़ोन नंबर टाइप कर लेना है, जो भी आप अपना फ़ोन नंबर आपका जो फ़ोन नंबर चल रहा हो, क्योंकि आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा तो वही फ़ोन नंबर टाइप कीजिएगा जो आपका इस समय करंट रूप में चल रहा हो। चलिए सो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर को टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने फ़ोन नंबर टाइप कर लिया, उसके बाद आपको दिख रहा होगा लॉगिन। आपको दोस्तों इसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने लिखा आ रहा है OTP को सफलतापूर्व भेजा गया, और यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास OTP आ चुका है। चलिए सो मैं इस OTP को यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वेरीफाई। आपको इसी के ऊपर दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया और एक फ्रेश इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है अति महत्वपूर्ण सूचना है। यहाँ पे दोस्तों सूचना आवेदन के बारे में जानकारी दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आवेदन करने के लिए आपको बेसिक प्रोफाइल, पारिवारिक प्रोफाइल, भार 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ये सब आपको फिल करना होगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप फिल कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे। चलिए सो पहले हम लोग बेसिक प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। पहला नाम, मध्य नाम, सरनाम, प्रोफाइल फोटो, लिंग, उम्र। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको उन्हीं का महिला का नाम एंटर करना है जिसके नाम के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में बेटी है या आपके घर में कोई भी महिला है जिसके नाम के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं, आपको उन्हीं का नाम एंटर कर लेना है। यहाँ पे आपको पहला नाम, मध्य नाम, सर नाम, आपकी उनकी एक फ़ोटो आपको देनी होगी। उसके बाद लिंग, उसके बाद दोस्तों उनकी एज क्या है, उम्र क्या है वो। उसके बाद दिखाई दे रहा है सामाजिक वर्ग। सामाजिक वर्ग में आप अनुसूचित जाति से आते हैं, जनजाति से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं या सामान्य से आते हैं, तो आपकी जो भी जाति है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कह रहा है जिला, यहाँ पे आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। आप किस जिले के अंतर्गत रहते हैं वो आप जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आया ब्लॉक, यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आया ग्राम पंचायत, यहाँ पे आपको अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत रहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाँव, यहाँ पे आपको अपना गाँव सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हेमलेट सेलेक्ट कर लेना है अगर हो। उसके बाद दोस्तों दिखाई दे रहा है आधार नंबर,
कार्ड के दोनों तरफ के फोटो। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको आपका जो आधार कार्ड है उसके कार्ड के दोनों तरफ के यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने हैं, एक फ्रंट और एक बैक, तो यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। उसके बाद दोस्तों दिखाई दे रहा होगा आधार कार्ड का नंबर, यहाँ पे आपको उन महिला का आधार कार्ड का नंबर टाइप कर लेना है। उसके बाद दिखाई दे रहा होगा पिता पति या अभिभावक का नाम, तो उनके पिता या पति या अभिभावक का क्या नाम है वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। चलिए सो मैं इस सब फॉर्म को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने ये सब फिल कर लिया है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नई स्लाइड ओपन हो गई, यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है आपकी शिक्षा लिखने पढ़ने की कुशलता क्या है। अगर आप 10th पास हैं तो आप 10th पास सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप 10th पास हैं और समूह में कार्य के दक्ष पर हैं तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, समूह के कार्य पे दक्ष हैं तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, कक्षा 10 पास नहीं है और पढ़ने लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। पढ़ने लिखने में दिक्कत है, दूसरों की मदद जरूरत पड़ती है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने अनुसार क्लिक कर लीजिएगा, आपके घर में जो महिला है उनकी कार्य कुशलता या उनकी शिक्षा क्या है, तो यहाँ पे मैं क्लास 10 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है, वही मोबाइल नंबर दोस्तों एंटर कीजिएगा जो आपका करंट रूप में चल रहा हो। उसके बाद क्या रहा है, कौन सा मोबाइल है आपके पास, कौन सा मोबाइल है आपके पास, टच वाला है, स्मार्टफोन है या आपके पास बेसिक फीचर वाला है, कीबोर्ड वाला है। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन हो, आपके घर में जो भी महिला है, तो आपको यहाँ पे स्मार्टफोन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों दिखाई दे रहा है फ़ोन करने के अलावा मोबाइल से और क्या कर लेते हैं, आपकी जो घर में महिला है वो फ़ोन करने के अलावा मोबाइल से और क्या कर लेती हैं, मैसेज लिखना पढ़ना टाइप कर लेती हैं, मैसेज भेजना टाइप कर लेती हैं, जोड़ घटाना भाग गुणा करना टाइप कर लेती हैं, व्हाट्सअप कर लेती हैं, यूट्यूब देखना सिनेमा देखना कर लेती हैं, अन्य मतलब सभी कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है आपके घर में जो महिला है कोई व्हाट्सअप नंबर है, आप उनका कोई व्हाट्सअप नंबर है पर्सनल, तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना, अगर है तो कर दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों दिखाई दे रहा है निम्न में से कौन सा वाहन चलाना आता है, आपके घर में जो महिला है उनको निम्न में से कौन सा वाहन चलाना आता है, साइकिल चलानी आती है, ठेलिया चलाना आता है, स्कूटी चलानी आती है, मोटरसाइकिल चलानी आती है, कार गाड़ी चलानी आती है या कोई भी नहीं आता है। अगर आपके घर में महिला को स्कूटी बाइक साइकिल चलानी आती है तो ठीक है, अन्यथा अगर कुछ नहीं चलाना आता तो आपको नो कोई भी नहीं पे क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं मोटरसाइकिल के ऊपर स्कूटी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये सब फिल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपको अगला क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए ये सब मैंने फिल कर लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे देखिए जो आपने पूरी प्रोफाइल फिल कर ली है, यहाँ पे देखिए आपका पहला नाम आ जाएगा, सरनेम आ जाएगा, आपकी फोटो आ जाएगी, आपका लिंग आ जाएगा, उम्र आ जाएगी, सामान्य वर्ग, यहाँ पे जिला ग्राम पंचायत पूरा सब आ जाएगा। दोस्तों ये सब आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखाई दे रहा है सेव करने के बाद आप इन सूचनाओं को बदल नहीं सकते, अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी सूचना गलत है तो आपको नहीं पे करना है और बैग वापस चला जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि सभी सूचना जो मैंने दी है सही है, आपको हाँ के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप हाँ के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा है सही सबमिट कर दिया है, अब आपको पारिवारिक प्रोफाइल को फिल करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको पारिवारिक प्रोफाइल को फिल करना है, यहाँ पे लिखा है वैवाहिक स्थिति क्या है, आप जो आपके घर में जो महिला है उनकी शादी हो चुकी है कि नहीं हुई है, तो यहाँ पे मैं हाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद लिख के आ रहा है घर में कितने सदस्य हैं, कौन कौन बच्चों का विवरण, अगर उम्र 10 साल से कम है, आपके घर में कितने सदस्य हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है, तो मेरे घर में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जिनकी उम्र 10 साल से कम है, तो यहाँ पे जीरो क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद लिख क्या रहा, 11 से 16 साल की उम्र के बीच में कितने सदस्य आपके घर में रहते हैं, तो आपके घर में 11 से 16 साल के बीच में जितने भी सदस्य रहते हैं वो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों लिख के आ रहा है 16 साल की उम्र के ऊपर, आपके घर में 16 साल की उम्र के ऊपर कितने लोग रहते हैं, यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट कर लेना है, चलिए तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद दोस्तों लिख के आ रहा है आपके परिवार की मुख्य आजीविका के साधन क्या है, आपके परिवार में जो मुख्य आजीविका चलती है वो किससे चलती है, पारंपरिक खेती है, किसानी करते हैं, आपका कोई फल सब्जी का कोई खेती है, पशुपालन करते हैं, पक्की नौकरी है, अस्थायी
आपके घर में जो भी प्रमुख आजीविका चलती है उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों ये करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोफाइल पर आ जाना है। यहाँ पर लिखा है आपके परिवार के आजीविका के लिए और मुख्य अवसर क्या है, निर्माण में जुड़ी हुई व्यवसाय, लेन देन खरीद बेच से जुड़ा व्यवसाय। यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, क्योंकि मैं अगर आपको पूरा बताने लगूँ तो वीडियो बहुत बढ़िया है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा आपके परिवार के आजीविका के लिए और आपके अवसर क्या है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों ये करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी पूरे प्रोफाइल की फोटो आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपने जो पारिवारिक प्रोफाइल दी है वो सब आ जाएगा, वहाँ के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपकी पारिवारिक जो प्रोफाइल है वो सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे कह रहा है भाग एक, आपको भाग एक के ऊपर क्लिक कर लेना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने अनुसार, क्योंकि मैं आपको बताने लगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप समूह नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है सिलेक्ट करने के, फिलहाल अगर आप नहीं है तो आपको नहीं के ऊपर क्लिक कर देना है और आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद कह रहा है क्या आपने कभी समूह संगठन की सोची, अगर हाँ तो हाँ के ऊपर क्लिक कर देना, नहीं तो नहीं के ऊपर क्लिक कर देना, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। भाग एक हो जाएगा, यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको आना है भाग दो में। दोस्तों भाग दो में आने के बाद क्या समूह में नियमानुसार वचन के अलावा स्वेच्छा से किए जाने वाले वचन का प्रावधान होना चाहिए, तो आपको हाँ के ऊपर क्लिक कर देना है, आपको अपने अनुसार देख लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे आना है, नेक्स्ट पे आने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आया भाग तीन, आपको भाग तीन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप आराम से हिंदी पढ़ लिख सकते हैं, तो अगर आपकी घर में जो महिला है वो हिंदी पढ़ लिख सकती है तो हाँ के ऊपर क्लिक कर देना है। पूछे जाएंगे जिससे उनको ये पता चल जाए कि हाँ आपके घर में जो महिला है वो एक बीसी सखी योजना में एक प्रबल दावेदार है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप अपने अनुसार आप अपनी नॉलेज के अनुसार यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, करना है आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आया भाग चार, भाग चार में यहां पे लिखा हुआ है क्या आप तक आपके मोबाइल ऐप का प्रयोग करने में महसूस है, तो यहां पे हां कर देना है, अपने अनुसार दोस्तों आपको ये कर देना है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेव हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ इस ऐप का आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गया, धन्यवाद। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपने जो आवेदन प्रक्रिया की है वो आपका समाप्त हो गया है, आपने आवेदन कर दिया। ऐसे दोस्तों आप बीसी सखी योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर आप लोग के लिए एक नया और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।